नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने देश और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी के बारे में। आपको बता देना चाहते कि आज कहीं सालों बाद के प्रधानमंत्री मोदी अपने गाँव पहुँचे और अपनी पत्नी जसोदा बेन से मुलाकात की है। दोनों पति पत्नी की मुलाकात का पूरा वीडियो आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को आगे बगाए बिना आखिर तक ज़रूर देखते रहें। और साथ ही यदि आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मोदी जी और उनके परिवार के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं बार सुना होगा कि मोदी जी ने पहले कहा कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी को जब भी समय मिलता है तो वो अपने परिवार वाले और अपनी माताजी से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही मोदी जी और उनकी पत्नी को कितने साल क्यों ना हो गए अलग अलग रहते हुए, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी हमेशा से मोदी जी के बारे में अच्छा ही सोचती आई है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि पहले मोदी जी की पत्नी ने कई बार कहा कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये उस समय कहा जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तब। आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री हैं और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार कहीं ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई जा रही है। जैसा कि आपको बता दें कि कश्मीर से धारा 370 और 35 और साथ ही राम मंदिर का मुद्दा, आप जानते हो कि ये मुद्दे कितने सालों पुराने हैं, जिस पर कई पार्टियाँ बरसों से राजनीति करती है और सिर्फ बनावटी बातें करती है। लेकिन मोदी जी ने हिम्मत दिखाकर है जी इन मुद्दों को उखाड़कर फेंक दिया है। लेकिन खैर, जो भी हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी के बारे में, और दोनों पति पत्नी की मुलाकात का पूरा वीडियो भी आज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आखिरकार मोदी जी ने अपना घर और परिवार और अपनी पत्नी को क्यों छोड़ने की नौबत आई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी की शादी है जो गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई थी। आपको बता दें कि उस समय बड़े ही धूमधाम से जो मोदी जी की शादी की गई थी। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि ये शादी सिर्फ 3 साल चली और इन 3 सालों में बताया जाता है कि मोदी जी और उनकी पत्नी का जो साथ था वो सिर्फ 3 महीने का ही था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि जब पहली बार मोदी जी की पत्नी ससुराल आई तब मोदी जी ने कहा कि तुम इतनी छोटी उम्र में ससुराल क्यों आई, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उस समय मोदी जी की पत्नी की उम्र जी 16-17 साल थी और मोदी जी की जी 20-22 साल थी। ऐसा मैं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने यह भी बताया कि मैं पूरे देश के भ्रमण पर निकलूंगा, जहां पर मुझे अच्छा लगेगा मैं वहां पर रह लूँगा, तुम मेरे साथ क्या करोगी। आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी संघ और RSS से भी जुड़े हुए थे। बाद में आपको बता दें कि मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर संघ और RSS में चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उसके बाद मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने थे। वो आपको बता देना चाहते कि ये बहुत ही बड़ी बात है कि पहले मोदी जी लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और साल 2014 में उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो भी बड़ी जीत के साथ। और साल 2019 आते जो उससे भी बड़ी जीत के साथ जो मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। और इस समय दोस्तों, आप जानते हैं कि मोदी का डंका आज के देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और आपको बताते थे कि ना चाहते कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबके दिलों में बसते हैं, आज उन्हें इंडिया ही नहीं बल्कि ऐसे कहीं देश मोदी जी को फॉलो करते हैं। और आप जानते हो कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से आज के देश की सबसे बड़ी और नंबर वन पार्टी बनकर उभरने वाली है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता देना चाहते हैं कि साल 2014 से आज के BJP ने कहीं राज्यों में अपनी सरकार बनाई और इस समय देश की सबसे मजबूत पार्टी है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी से पूछे गए एक सवाल और एक इंटरव्यू में कि दोनों पति पत्नी से अलग होने की वजह के बारे में, तो मोदी जी की पत्नी ने बताया कि दोनों का ना तो किसी तरह का झगड़ा हुआ और ना ही कोई बात हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि वो देश की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए अपना घर और परिवार छोड़कर आज अपने देश की सेवा में लग गए। और आप जानते हो कि आपको बता दें कि मोदी जी ने जी अपना पूरा जीवन आज के देश की सेवा में बिता दिया है। आपको बता देना चाहते हैं कि मोदी जी की पत्नी जो एक रिटायर्ड शिक्षिका है, बताया जाता है कि उनको वर्तमान में जो 14,000 रुपये पेंशन भी मिलती है, जिससे वो अपना घर और परिवार चलाती हैं और वो अपने भाई अशोक के साथ रहती हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि आज भी मोदी का जो परिवार है खुद के दम पर छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करता है, ना कि मोदी जी से किसी तरह की। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे ही योगी आदित्यनाथ जी भी अपना घर और परिवार छोड़कर वो भी अपने देश और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक दबंग और एक मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी।
आपको बता देना चाहते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से जगह उत्तर प्रदेश और कहीं ऐसी घटनाओं पर लगाम लग चुकी है जहां पर जगह आए दिन ऐसी वैसी खबरें सुनने को मिलती थी। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की एक बहन है जिन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वो भी कोई छोटी मोटी फूलों की दुकान चलाकर अपना घर और परिवार चलाती हैं। और खबरों की माने तो दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी का भाई है, वो भी आर्मी में रहकर अपने देश की सेवा कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप जानते हो कि ये मोदी जी और योगी जी जो अपना घर और परिवार छोड़कर जो अपने देश की सेवा कर रहे हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों आप जानते हो कि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तब से जी भारत देश के भी जितने भी दुश्मन देश थे उनका भी बुरा टाइम और बुरा वक्त वहीं से आना शुरू हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि मोदी सरकार जो कि बड़े से बड़ा फैसला है जो कि एक ही झटके में ले सकती हैं, ये बात है जो कि शायद चीन और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जरूर समझ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना ने कई बार जो कि पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दिया और उनके घर में घुसकर मारा है, लेकिन दोस्तों आपको बता कि फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अपनी ही मुंह की खाता रहता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा से ही पाकिस्तान है जो कि चीन के बलबूते पर उछलता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि खबरों की माने तो दोनों देशों के रिश्ते में भी दरार पड़ सकती हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पूरी देश और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो एक दूसरे देश से कर्ज उधार लेकर जो एक दूसरे देश को चुकाता है। यदि दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन को भी जो समय पर कर्ज नहीं लौटा पाता तो दोनों देशों के रिश्तों में दरार पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, इंतजार है तो सिर्फ एक आदेश का। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हो कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा रहा और होकर रहेगा, ये बात है जो कि संसद में भी कहीं बार उठ चुकी हैं। शायद कहीं ना कहीं जो कि पाकिस्तान भी अंदर ही अंदर समझ चुका है कि मोदी सरकार बड़े से बड़ा एक्शन कभी भी ले सकती हैं, इसीलिए है जो कि पीओके को लेकर भी जो पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है। आपको बता देना चाहते हैं कि भारतीय सेना के खेमे में एफएचए और राफेल जैसे लड़ाकू हथियार जी हमेशा तैनात हैं, जो कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के हालात वहीं से ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए जब से मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 और 33A को हटाई है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान कश्मीर के थ्रू भारत में कुछ ना कुछ करवाता रहता था, लेकिन मोदी जी जैसे ही दोबारा सत्ता में वापस आए वो सारे रास्ते पाकिस्तान के वहीं से बंद कर दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान के हालात जो कि दिन ब दिन खराब होते हुए जा रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि वहाँ की जनता भी कई बार वहाँ की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ की जनता का भी मानना है कि जब से पाकिस्तान में पीएम इमरान खान की सरकार बनी और पीएम इमरान खान प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये पाकिस्तान में ज़्यादा हालात खराब हुए हैं। इस समय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी देश और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पलता और आतंकवाद को पनाह दी जाती है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब चाहे पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, भारत कभी भी मुंह तोड़कर जवाब देने में पीछे हटने वाला नहीं है। शायद कहीं ना कहीं ये बात है कि चीन भी समझ चुका है। आपको बता देना चाहते कि चीन भी जानता है कि ना कि 1965 वाला भारत बल्कि आज का हिंदुस्तान है, और साथ ही एक मजबूत सरकार यानी कि मोदी सरकार रातों रात है जो कि कभी भी बड़ा फैसला ले सकती है, ये चीन और पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंदर समझ चुके हैं। आपको बता देना चाहते हैं कि लगभग साल डेढ़ साल पहले भारत और चीन की झड़प हुई, जिसमें दुख की बात है कि भारतीय सेना के बीच 20-22 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि खबरों की माने तो भारतीय सेना ने भी आज की चीनी सेना को मुंह तोड़कर जवाब दिया था, उनके बीच 40 से 42 सैनिक मारे जाने की खबरें सामने आई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इस बात को चीन ने कबूला नहीं है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, अब भारत कभी पहले गलती करता नहीं है, यदि अब कोई भी गलती करेगा तो अब उसी की भाषा में उनको जवाब मिलेगा। दोस्तों आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।